हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सर। आज देखो हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। On 15 May 2006, Chandran went to a shop to buy butter. He checked the packet to see if this butter was safe to eat. ठीक है, चंद्रन कहाँ गया? एक दुकान में गया। कब? 15 मई 2006 को, ठीक है, बटर खरीदने के लिए। अब वो क्या कर रहा है? वो पैकेट को देख रहा है कि ये जो बटर वो लेने वाला है वो खाने लायक है या नहीं, ठीक है। वो जो पैकेट था उस पैकेट पे लिखा हुआ था बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, मतलब जिस दिन ये सामान पैक हुआ है उसके 180 दिन तक ये सामान खाने लायक है, ठीक है, उस पैकेट में ही लिखा हुआ है। देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग, फिर उसने क्या की, जो पैकिंग की जो डेट थी वो क्या की, चेक की बटर के ऊपर, कितना लिखा था उसमें? 15 जनवरी 2006। हेल्प हिम फाइंड आउट इफ ही शुड बाय दिस बटर और नॉट। और कब गया था वो लेने के लिए, कितने तारीख को गया लेने के लिए? 15 मई 2006। अब वो बोल रहे हैं इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड, कौन से मंथ में ये बटर को पैक किया गया, बताओ। अभी हमने बोला कौन से मंथ में? जनवरी में, ठीक है। विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15 मई 2006। अब वो बोल रहे हैं कि 15 जनवरी 2006 से 180 डेज कितने दिन में हो जाएंगे? 180 डेज मतलब कितने मंथ हो गए? कितने मंथ बताओ? 180 डेज में कितने मंथ हो जाएंगे? एक मंथ में कितने डेज होते हैं? 30। तो 180 डेज में कितने मंथ? 180 डिवाइडेड बाय 30 बताओ। 30 से भाग दो ना 180 में, 3 के पाड़े में कहां पर आता 18? हाँ तो 6 जा, इसका मतलब 6 महीने में उस जो वो जो बटर है उस बटर को खा लिया जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब 15 मई 2006 से कब होगा वो 6 महीने पूरे उसके, बताओ। जनवरी से फरवरी, 1 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 15 जुलाई 2006 को, मतलब इस डेट से लेके इस डेट के बीच में उस बटर को खा लिया जाना चाहिए था, ठीक है। कैन चंद्रन ईट इट ऑन 15 मई 2006? 15 मई 2006 को इस बटर को खाया जा सकता है या नहीं? खाया जा सकता है, यस। Do you ever check the date of packing of things you buy? अब वो बोल रहे हैं कि क्या जब आप सामान लेते हैं तब आप चेक करते हैं कि वो सामान एक्सपायर्ड तो नहीं है, ठीक है। Have you seen medicines which have the expiry date written on them? If it tells you after which date, it is unsafe to take the medicines, ठीक है। अब हम दवाइयों की बात करते हैं, क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ अगर एक्सपायर हो गई हैं तो उनको खा के या तो कोई फ़ायदा नहीं होता या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम दवाइयों में चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये एक दवाई है, ठीक है। अब इस दवाई में आप चेक को चेक करना है, इसमें देखो डेट्स लिखे हुए हैं दो, ठीक है। एक लिखा हुआ है एक मैन्युफैक्चरिंग डेट MFG डेट और एक EXP डेट। अब मैन्युफैक्चरिंग कब थी इसकी? सर जी अक्टूबर 2003। अक्टूबर 2003 और एक्सपायरी सितंबर 2005। तो ये एक्सपायर, क्या इसको अभी खा सकते हैं हम? नो सर, नो। ओके, अब देखो एक हमारे पास ये ट्यूब है, अब इस ट्यूब में कोई ढूंढ के बता सकते हैं कहाँ पर एक्सपायरी लिखी हुई है? सर जी एक्सपायर, देखो इधर दिखाओ सर जी एक्सपायर होगी 3 मार्च 2021, मतलब इसको लगा सकते हैं। हाँ, इसका मतलब देखो इसमें, देखो इसमें भी दो डेट्स लिखी हुई हैं। यस सर, एक लिखी हुई है इसमें मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर्ड कब थी ये? मैन्युफैक्चर पढ़ो। हाँ, अप्रैल 2018। हाँ, अप्रैल 2018 में बनी थी और एक्सपायर हुई मार्च 2021 में। इसको यूज कर सकते हैं या नहीं अभी? यस सर, इसको हम यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें, देखो सर जी बनी थी दिसंबर 2015 और एक्सपायर नवंबर 2017, ठीक है। यस, नवंबर 2017 में एक्सपायर और मैन्युफैक्चर हुई थी ये दिसंबर 2015 में। इसको यूज कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं यूज इसे? नो सर, इसमें 2017 है, अभी हम कौन से ईयर में चल रहे हैं? 2019 में, तो कैसे यूज करेंगे इसे, ठीक है। अब देखो उसी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमारे पास और हैं। एक कप सिरप है उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है, कितनी है ये? 73 मतलब अगस्त 2003
अगस्त नहीं जुलाई 2003 और एक्सपायर कब होगी जुलाई 2005. व्हाट मंथ एंड ईयर इज रिटन एज 705. अब मंथ तो हमको पता चल गया सात पाँच मतलब जुलाई 2005. व्हाट वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2005. क्या सितंबर 2005 में इस जो कफ सिरप है इसको हम पी सकते हैं? नो सर. ठीक है, क्लियर है? यस सर.